पर जितने भी सहयोगी हैं वो सब मिल के अगर महीने में एक दिन भी इस प्रोग्राम को गांव तक ले जाए तो इसका प्रगति बहुत तेज गति से होगा। मैं तो 35 साल से गांव में जा रहा हूँ। मुझे आज सहयोग में टाइम नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। गांव का रहने वाला हूँ, गांव में जा रहा हूँ। कोई राज्य भी एक दो बचे होंगे और बिल्कुल गरीब बस्ती में गया हूँ, लेकिन आज कम्युनिकेशन का टाइम है। कितने गांव में जाऊंगा और कितनी हमारी माँ बहन गांव में जा सकती हैं, आसपास जा सकती हैं। सहयोग 10% फैला है, टीवी चैनल से 40% फैला है 3 साल में, अभी 60% बाकी है। सब लोग आज प्रेयर करें कि श्री माता जी रोजाना प्रेयर करके हर टीवी चैनल पर आपका प्रोग्राम आए, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है। और ये आपको शायद मालूम है नहीं है कि ये श्री माता जी के लिए इंटरनेट आया है। जितना भी आप आज देख ले हैं, सॉफ्टवेयर का जमाना आया है और ये भी बंद होगा। ये माँ बता चुकी थी कि जितना भी आया है ये मेरे कार्य के लिए हुआ है, कंप्यूटर मेरे काम के लिए बने हैं, और जिस दिन मेरा कार्य पूरा हो जाएगा उस दिन ये फ्लॉप हो जाएंगे सब, और वही दिन आ जाएगा चिट्ठी लिखो आराम से और 10 आदमी साथ बैठे। तैयार रहिए, तब तक किसी भी टाइम पलट सकता है। अभी प्लास्टिक के नोट है, हो सकता है प्लास्टिक के बिना मिले, वही अपना चटनी घोटनी पड़े और रोटी खानी पड़े, लेकिन बीमारी नहीं होगी। अभी पिज्जा खाते हैं तो 25 बीमारी है लगी, जब चटनी और रोटी होगी तो बीमारी नहीं होगी। आप जाके देखिए बिहार में गरीबी है लेकिन चेहरे पर रौनक मिलेगी आपको। मैं एक एक महीने बिहार घूमा, तो कहने का मतलब यह है कि आप सब प्रेस वालों से बात करिए। मैंने सबको चिट्ठी दी थी, आज भी नहीं आया कोई, क्योंकि वो कहते हैं मोटा पैसा चाहिए या मंत्री जी आए तब चाहिए। लेकिन अगर मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो एक दिन सहजोगी भी विश्व के गुरु बन सकते हैं। और पार्लियामेंट में इन्हीं की डिमांड होगी, जुडिशरी में इन्हीं की डिमांड होगी। भविष्य में आप देखना कि सहजोगी को दुनिया ढूंढेगी दिया लेके, वो दिन तैयार है। और किसी भी टाइम ग्लोबल वार्मिंग चली रही है और जहां सहजोग नहीं फैला वहां ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी नहीं। आज आप सबके हाथ में है, आप चाहे तो देश को और संसार को बचाएं, संत को बचाएं और चाहे डूबो। सजा हमें मिलेगी, सजा हमको मिलेगी जो आप बैठे हैं हाथ फैला के। सजा भगवान के यहां इन्हीं को मिलनी है अगर ये संसार खराब हो गया। प्रधानमंत्री मोदी साहब तो देश के मालिक हैं और आप पूरे विश्व के मालिक हैं। अगर एक भी संत डूब गया, एक भी, तो उस इलाके में जो सहजोगी रहता है सजावार हो। तैयार रहिए, आप फंस गए, आज खुली खुली बात कह रहा हूं। जिसको ये ठंडा आया उसके इलाके में अगर एक भी संत रह गया और उसको पता नहीं लगा तो सजा उसी सेंटर कोऑर्डिनेटर लीडर सहजोगी को मिलेगी। इसलिए हमारा कर्तव्य एक ही है कि भगवान का अवतार आया और हमने पहचाना है, इसको जन जन तक पहुंचाना है। मैं लक्षद्वीप में गया था, 15 दिन रहा था, केवल एक भी हिंदू का घर नहीं था। वहां पे एक सी चौक था समुद्र के किनारे पे, वहां आप इस टाइम बात करिए 15 मिनट बाद पूरे शहर में मिलेंगे वो बात। और उन्होंने कहा जिसने मैं बुलाया था, सहयोगी था, सीनियर ऑफिसर था, अपने पैसे से गया था, हवाई जहाज का किराया स्पिरिचुअल फाउंडेशन से नहीं था, ये तो अपन आया है। मैं 2010 में गया अपने पैसे से, और जिस समय वहां शुरू हुआ तो जिसको चिट्ठी दूं, जो यहाँ के बहुत बड़े अफसर थे वो कहते थे हमारी नौकरी छुड़वाने के लिए आए बंसल साहब, और यह अपनी मौत के लिए आए।
इन दो काम में से एक हो गया, तुम्हारी नौकरी छुट गई या तेरी मौत आई। तो मैं उस दिन समझ गया कि आज तो फाइनल जजमेंट है, या तो भगवान है और या ये सब भगवान के गुलाम, या फिर भगवान। श्री माता जी की असीम कृपा हुई थी कि पहली चिट्ठी हॉस्पिटल में दी, पुलिस वालों ने मना कर दी, कलेक्टर दादू ने मना कर दी कि मेरे गुरुजी हरिद्वार से आए थे, रात को हवा हेलीकॉप्टर नहीं होता तो समुद्र में फेंक दिया। तो बंसल साहब आप अपनी मौत के लिए कफन उफन का तैयारी कर लीजिए और मेरे पास आता ना लेटर लेके, यहाँ कोई सहयोग वहयोग नहीं होता। तो दिन में आफत होगी तो मेरे दोस्त जो थे चेन्नई से ट्रांसलेटर लेके गया था, क्योंकि वहाँ मलयालम चलती थी, सबको इंग्लिश नहीं आती, सबको हिंदी नहीं आती, तो उन्होंने कहा मामला बिगड़ गया है। रात के 10 बजे ये हालत हो गई थी कि पूरे शहर में एक आदमी आया हुआ है और उसको बचना नहीं चाहिए, वो धर्म बदलने के लिए। तो मेरे से लोग कहने लगे अगर संभल के रहो, मामला बिगड़ा हुआ है। मगर देखो मौत तो एक आठ दिन आनी आनी, आज नहीं तो कल शरीर तो छूटेगा ही, तो निश्चित है, पर कुछ करके ही जाना। रात को पूरे शहर को रात के 11 बजे समुद्र के किनारे बैठ के स्विमिंग किया थी इन आदमी ने, और 1 बजे तक समुद्र के किनारे बैठे रहे। और हमने कहा माँ समुद्र तू, पानी तू, हवा तू, तो ये शहर क्यों नहीं तू बदल रही। 1:15 बजे जाकर के वाइब्रेशन बदले पूरे शहर के, और मेरा दोस्त कहने लगा माहौल बदला है, बारात के 2-2, 3-3 बजे तक लोग जगते हैं। और फिर कार्यक्रम हुआ, श्री माता जी का फोटो मैंने चैलेंज पे दे दिया, गुरखा में आई हुई थी, टीचर थी, मगर यही फातिमा। और जब शहर में वो फोटो फैला तो और हल्ला मच गया कि आज तो एक नया अखाड़ा शुरू कर दिया है। तो अगले दिन 15 दिन रहा, लास्ट वाले दिन मस्जिद के अंदर प्रोग्राम फिक्स हुआ। जो बुरखा में आती थी मेरे सीनियर ऑफिसर जो दोस्त थे वो कहने लगे भाई या तो यहाँ बैठ जाए या हमारी नौकरी तुम खतरे में डालने आए, तुम्हारा सहयोग तो हो गए, बुरखा वाली कल कंप्लेंट करेंगे पी चिदम्बरम को नौकरी में। मैंने उनको कहा आपके घर ही इलाज होगा, वहीं चलो। तो वो पाइल्स की बीमारी 80% लोगों को, वहां के डायरेक्टर को मैंने चैलेंज कर दिया कि मैं मोमबत्ती से पाइल्स की बीमारी ठीक करता हूँ दवाई से। उसने कहा आपकी डॉक्टरी है MBBS MD DMD डॉक्टर नहीं बोलता, चैलेंज ध्यान रखो। मैंने कहा मेरी डिग्री डॉक्टरी की कम है लेकिन स्पिरिचुअल भी ज्यादा है। कह रहे वो क्या है, मगर वो ठीक कर देगी। तो 10-5 को लोगों को एक हफ्ते में फायदा हो गया, उन्होंने ही हल्ला मचा दिया कि जो डॉक्टर आए हैं वो बिना दवाई के ठीक कर दिया। तो मैं घरों में जाकर के जहाँ जेंट्स और लेडीज बैठते थे वहां बता दिया। और श्री माता जी की असीम कृपा थी कि वहाँ एक मजार थी, तो जब मेरी जीप वहां से निकली, गवर्नमेंट की जीप थी उसी, तो कह लगे मैंने कह यार यहाँ कोई मंदिर कोई मजार है क्या, कह लगे यहाँ पीछे छोड़ी तो अभी है। मैंने कहा मुझे मिलाओ, तो ले गया। मैंने कहा इस मजार के कारण ये लक्षद्वीप बचा हुआ है, चारों तरफ 10 मिनट में समुद्र आ जाता, किधर भी चले जाओ। कह लगे यहाँ से जल लेके जाते हैं, जिस बच्चे नहीं होता औरत को उसको पिला दिया जाता, बच्चा हो जाता। मैंने कहा ये पाक जल है, पाक। और मैंने उसको सजदा किया क्योंकि वो स्वयंभू है, मजार नहीं है, वो स्वयंभू है, वो निर्मल धाम है। हर जगह निर्मल धाम है, जरा परख के तो देखो भाई। तो वहां मुसलमान के ईदगाह में रात के 12:30 बजे मेरा प्रोग्राम फिक्स हुआ, और वहां से 3 बजे आया था। मेरे दोस्त कहने लगे जरा संभल कर रहना, मगर कोई बात नहीं है। और श्री माता जी ने एक देवबंद से भेज दिया मुसलमान, वो मेरा ट्रांसलेट करता था मलयालम में, जहां कोई बात अटक जाए तो वही बता देता था। और सबको रियलाइजेशन हुआ पूरे लक्षद्वीप में, और फिर वहां सेंटर शुरू हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग गुरु हैं, अपनी हिस्ट्री को पहचानिए, अपने परमोशन को पहचानिए कि आप यहां तक आए हैं, साधारण नहीं आए, कोई भक्ति की हुई है, लल्लू नहीं है। बस ये है कि जो साथ में चल रहे घर वाले पड़ोसी रिश्तेदार थोड़ा उनसे प्रेम से बात करें।